नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल MS ऑटोमेशन में। आज की जो वीडियो है वो डेल टेक की एक HMI है DOP 110 CS, और एक डेल्टा का एक एनालॉग इनपुट आउटपुट कार्ड है। उसका मॉडल नंबर है DVP06XA-S करके। उसका हम डेल्टा की जो HMI इसके साथ कम्युनिकेट कराएंगे, और साथ में इसके प्रोग्रामिंग है वो कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो हमें डेल्टा का जो सॉफ्टवेयर है वो HMI का, वो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से हम HMI को न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और यहाँ से HMI को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो HMI है 110 CS है। यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से हम कॉम पोर्ट 2 सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हमारा मैनुफैक्चर डेल्टा, और साथ में इससे जो नीचे है वो डेल्टा कंट्रोलर SKI सेलेक्ट कर लेंगे। और ये जो पैरामीटर्स है ये हमारे जो डेल्टा का जो टेम्परेचर, सॉरी जो एनालॉग कार्ड है उसकी जो सेटिंग्स है उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देखने के लिए आपको उसके मैनुअल जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो मैनुअल में, या फिर साथ में कार्ड के साथ में उसका मैनुअल आता है, वहाँ से उसमें देख लेंगे, और यहाँ से हम फिनिश कर देंगे। इसके बाद जो हमारा स्क्रीन नंबर 1 है वो ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ से न्यूमेरिक इनपुट है, ये न्यूमेरिक इनपुट न्यूमेरिक एंट्री का जो है जो सिंबल है वो हम ले यहाँ से ले लेंगे। लेने के बाद ये हमारी जो है एनालॉग जो आउटपुट होगी उसको हम यहाँ से डाटा डाल लेंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। ये हमारे दो एनालॉग आउटपुट जो होते हैं वो हम इसमें शो कराएंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसमें डाटा डाल लेंगे, और आउटपुट कार्ड जो है वो वोल्टेज को शो करेगा। अब एक हम न्यूमेरिक डिस्प्ले ले लेंगे जो कि हमारा एनालॉग इनपुट के लिए रहेगा। जैसे हम उसमें एनालॉग इनपुट में हम वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे हमारे लिए रीडिंग्स जो शो करेगा। अब सबसे पहले हम जो है उसका डाटा डाल लेंगे। डाटा डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम PLC मॉड्यूल सेलेक्ट करें, और यहाँ से एड्रेस वैल्यू क्या रहेगी उसके लिए मैं आपको मैनुअल पर लेकर चलता हूँ, मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर जाने के बाद मैं जो है यहाँ से इसका जो कार्ड है उसका हम जो मैनुअल है वो ओपन कर लेंगे। यहाँ से फाइल मैनेजर में जाने के बाद जो हमारा डाउनलोड है, डाउनलोड ओपन करने के बाद ये हमारा मैनुअल यहाँ से हमने ओपन कर लिया है, जो हमारा कार्ड था एनालॉग कार्ड। इसके मैनुअल ओपन होने के बाद इसमें जो है इसके कंट्रोल रजिस्टर वगैरह सब सब दे रखे हैं इसमें। तो हम यहाँ से इसके कंट्रोल रजिस्टर है जो एनालॉग इनपुट है और एनालॉग आउटपुट है वो कंट्रोल रजिस्टर यहाँ से देख लेंगे। वहीं कंट्रोल रजिस्टर का सेम एड्रेस हमें वहाँ पर डालना है। अब ये देखिए यहाँ से 40, देख लिया 40 CE से स्टार्ट है जो एनालॉग इनपुट है, ठीक है। और एनालॉग आउटपुट के है, ये देखिए चैनल 1 to 4, और ये एनालॉग आउटपुट के है 40D2 से स्टार्ट है, और 40D3 ये एनालॉग आउटपुट का है। अब यही सेम जो है एड्रेस हम अपनी HMI में इनका डाल देंगे। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो इनपुट और जो एनालॉग आउटपुट है उनकी डाटा रेंज कितनी रहेगी। ये देखिए डिजिटल डाटा रेंज, एनालॉग इनपुट रेंज ±10 वोल्ट, और इसकी डाटा रेंज है ±2000, ठीक है। और इसी तरह से जो आउटपुट है डिजिटल आउटपुट, जो इसकी वोल्टेज रहेगी 0 to 10 वोल्ट एनालॉग आउटपुट रेंज, और इसकी डाटा रेंज है 0 से 4000। मतलब कि जो हमें ये एनालॉग इनपुट और आउटपुट की जो डाटा की रेंज रहेगी वो ये 2000 इनपुट की और 4000 आउटपुट की। अब ये यहाँ से हम देख लिए जो इसका एड्रेस है वो एड्रेस हम यहाँ से डाल देंगे जो हमने अभी वहाँ पे देखा था। और ये हमारा एड्रेस रहेगा जो 5 नंबर का है, और 6 नंबर का रहेगा हमारा 40D3, वो हम उसमें बाद में डाल देंगे। एंटर करने के बाद ये यहाँ से हम इसको कॉपी करके नीचे वाले में सेम पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, और फिर यहाँ से ओके। तो पहले वो 5 नंबर का जो है एनालॉग आउटपुट चैनल है उसका एड्रेस हमने डाल दिया है। यहाँ से मैं आपको नोट करके इस पे लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। ये हमारा एनालॉग आउटपुट चैनल नंबर 5, ओके। और इसी तरह से ये हमारा 5, और ये बराबर वाला हमारा रहेगा कॉपी, यहाँ से पेस्ट, ये 6 नंबर रहेगा हमारा,
ओके, और नीचे वाला हमारा जो है वो एनालॉग इनपुट है चैनल नंबर 1 का, एनालॉग इनपुट चैनल 1। ओके, हम यहाँ से इसको कंपाइल करेंगे। ये एरर दिखा रहा है, सॉरी, हमने जो एड्रेस है वो एड्रेस, 2 के एड्रेस रह गए हैं। अब इसमें भी हम इनका एड्रेस जो है वो डाल देंगे, पीएलसी मॉड्यूल, और यहाँ से हमारा यहाँ से इनपुट का एड्रेस वो हम डाल देंगे जो हमने मैनुअल से नोट किया था चैनल नंबर 1 का। यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब ऐसे ही ये चैनल नंबर 6 का जो एनालॉग आउटपुट है वो यहाँ से हम डाल देंगे। यहाँ से हम इसको पीएलसी मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एड्रेस रहेगा 40D1, सॉरी, जो भी हमारा ना चैनल का वो था। यहाँ से हम बैक करके D3 एंटर। ओके, अब ये हम यहाँ से इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद जो है इसको हम हमारी HMI है उसमें डाल देंगे। ये यहाँ से डाउनलोड ऑल डाटा, ये हमारा डाउनलोड HMI में हो चुका है। HMI में डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ HMI की जो स्क्रीन है और जो हमारा हार्डवेयर मैंने कनेक्ट किया हुआ है उस पर मैं आपको अब लेकर चलता हूँ। यहाँ से मैं जो अपने हार्डवेयर है वो मैं आपको शो करता हूँ। ये हमारा जो कार्ड है देखिए, DVP06XA करके है। और ये हमारा SMPS 24 वोल्ट, और ये हमारा मल्टीमीटर, और ये हमारी जो HMI में भी प्रोग्राम डाउनलोड किया था वो। अब मैं इसकी जो हमने ये कार्ड है वो पीएलसी से HMI से कम्युनिकेट करा रखा है, COM2 से 1 और 6 नंबर जो HMI के पोर्ट है। अब ठीक है, अब ये देखिए, ये जो हमारा जो मल्टीमीटर की वायर है ये हमने एनालॉग आउटपुट है उसमें डाल रख लिया चैनल नंबर 5 में। ये चैनल नंबर 5 में डाल रख लिया है, और चैनल नंबर 6 की जो आउटपुट है वो जो वोल्टेज है वो हमने पीएलसी के इनपुट में दे रखी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये देख लीजिए, जैसे ये आउटपुट चैनल नंबर 1 है, यहाँ से हम ये हमने 0 कर दिया इसको। 0 करने के बाद जो हमारी वोल्टेज है ये 0 दिखा रहा है आउटपुट की चैनल 5 की। अब यहाँ से हम इसमें क्या है जो रीडिंग्स डालेंगे, 2000 डाल दिया। 2000 डालने के बाद ये हमारी जो है वोल्टेज देखिए, ये 8 दिखा रहा है। दोस्तों ये जो हमारा मल्टीमीटर है ये थोड़ा सा ख़राब है, ये क्या है 1.5 मल्टीप्लाई करके वोल्टेज दिखाता है, तो ये हमारी यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, उसकी वजह से ये वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा दिखाता है। अब मैं इसकी जो है रीडिंग्स है ये 8 वोल्ट शो हो रहा है। अब मैं यहाँ से जो इसमें है 4000 या फिर इससे ऊपर जो वैल्यू है वो डाल दूंगा, ये 4000 डाल दिया, तो यहाँ से हमारी जो वोल्टेज है ये देख लीजिए 16 वोल्ट दिखा रहा है। मतलब कहने का मतलब यही है, जो हम मैक्सिमम वोल्टेज डालेंगे तो ये मैक्सिमम 10 वोल्ट यहाँ से हमें निकाल देगा। तो हमारे मल्टीमीटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उस वजह से इसमें हम 5000 वैल्यू डालेंगे तो ये 4095 या 96 जो है वैल्यू मैक्सिमम लेगा, और यहाँ से हमारी 10 वोल्ट जो है वो निकाल के दिखा देगा। अब इसी तरह से मैं आपको ये हमारी 16.44 यहाँ से मैक्सिमम जो रीडिंग्स हमने डाल दी है। अब उसके बाद ये देखिए, ये जो हमारी केबल है ये चैनल नंबर 6 की जो आउटपुट है वहाँ से निकल के हमारे पास कोई इनपुट में जो है एनालॉग इनपुट देने के लिए कोई वोल्टेज का सोर्स नहीं है 0 टू 10 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे इसकी आउटपुट से निकली हुई वोल्टेज को यूज़ कर लेंगे इसकी इनपुट में। यहाँ से ये वायर गई चैनल नंबर 6 से और उसके इनपुट में चली गई। अब मैं यहाँ से जो एनालॉग 6 नंबर है उसमें यहाँ से रीडिंग्स दूंगा ये 2000, तो ये वोल्टेज जो है 2000, ये देख लीजिए, ये जो एनालॉग इनपुट 1 का जो डाटा था उसमें 5 वोल्ट गई है, और 5 वोल्ट ये देख लीजिए यहाँ से इसमें 5 वोल्ट चली गई। 5 वोल्ट जाने के ये हमें जो रीडिंग्स इसकी दिखा रहा है 999 दिखा रहा है,
और इसकी जो वोल्टेज की, ये देखिए यहाँ से हमने उसमें 4000 डाल दिया तो यहाँ से ये 2000 दिखा दिया, मतलब कि 10 वोल्ट पूरी आ चुकी है। यहाँ से मैक्सिमम हमने 4095 डाल दिया, ये 2044, ये इसकी मैक्सिमम रीडिंग्स आ चुकी है जो मैंने आपको मैनुअल में भी दिखाया था। एनालॉग इनपुट की जो डाटा रेंज है वो 0 to 2000 है और जो आउटपुट की रेंज है वो 0 to 4000 है। ओके थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, होप वीडियो आपको पसंद आएगी।